अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 42 एंड 43 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। हाँ, सेक्शन 42 है वो बात करता है डिक्लेरेटरी डिक्री के बारे में, डिक्लेरेटरी सूट्स के बारे में, और सेक्शन 43 उनके इफेक्ट्स के बारे में बात करता है। अब डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्टली वी हैव टू नो दैट भाई, मैं जो है वो ओनर हूँ, मगर मिस्टर बी जो है वो कहता है कि नहीं, ये ओनर नहीं है, मैं ओनर हूँ। वो अपने आप को ओनर कहता है। मैं सूट को इंस्टीट्यूट कर देता हूँ, कोर्ट को कहता हूँ कि डिक्लेयर करो कि हम में से ओनर कौन है। डिक्लेरेशन ये होती है, डिक्लेयर करना कि कौन से बंदे के पास लीगल करेक्टर है या राइट है। अब ये लीगल करेक्टर क्या होता है तो डिस्कस करते हैं इन सब चीज़ों को लास्ट में। प्रोविजो को भी देखेंगे आज हम इस लेक्चर में, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बार टू द डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, ये जो सेक्शन 42 है वो एप्लीकेबल कौन सी प्रॉपर्टीज पर है? दोनों प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक, डिस्कस करते हैं सब चीज़ों को वन बाय वन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू LW केस चैनल। अब ये सेक्शन 42 की बेयर रीडिंग क्या कहती है उनको देखते हैं। चलो, एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर, यानी इसके पास राइट हो, इंटाइटल्ड यानी जो इसके पास राइट हो। ठीक है, किस चीज का राइट हो? लीगल करेक्टर। लीगल करेक्टर क्या है? इस सेक्शन को समझने से पहले हमें समझना होगा कि लीगल करेक्टर खुद है क्या। तो देखते हैं इसको थ्रू एग्जाम्पल। मिस्टर ए जो है वो ओनर है एक प्रॉपर्टी का। ये जो ओनर है ना वो इसका स्टेटस है। स्टेटस यानी लीगल करेक्टर, लीगल करेक्टर यानी स्टेटस, लीगल करेक्टर यानी लीगल स्टेटस। ये जो ओनर है यानी जो लीगल ओनर होगा ना, अब ये जो लीगल ओनर है, दिस इज द लीगल करेक्टर ऑफ मिस्टर ए, के ये जो ओनर है ही इज हैविंग अ लीगल करेक्टर दैट ही इज एन ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। बात समझ में आई दोस्तों? एक बंदे के पास राइट टू वोट है, वो वोट कर सकता है। अब वो जो वोट कर सकता है यानी ही इज अ वोटर। अब वो जो वोटर है, दिस इज द लीगल करेक्टर ऑफ दैट पर्सन, कि वो वोट कर सकता है। ठीक है, मैं जो है वो कहता हूँ कि मैं जो है वो आई एम द सन ऑफ माई फादर, और जो मेरे बाप की प्रॉपर्टीज हैं उसकी डेथ के बाद वो सब मुझे मिलेंगी, बिकॉज आई एम अ लीगल हेयर। अब ये जो लीगल हेयर है, दिस इज द लीगल करेक्टर ऑफ मी। बात समझ में आई दोस्तों? ये होता है लीगल करेक्टर। ये जो किंग किंग हो गए, बादशाह, किंग इज द लीगल स्टेटस और द लीगल स्टेटस लीगल करेक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब है राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, यानी या लीगल करेक्टर हो या राइट हो एज टू एनी प्रॉपर्टी। अब यार राइट का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं ताकि ये आपको सेक्शन समझ में आ जाए। पर्सन ए जो है वो कहता है कि ये प्लॉट मेरा है, और एक्चुअल में ये प्लॉट इसी का ही है, ये जमीन इसी की है, ये ही इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बी और सी जो है वो वहीं इर्द गिर्द कहीं रहते हैं उसकी मोहल्ले में। वो कहते हैं कि वी आर हैविंग अ राइट टू वे ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर ए, हम यहाँ से गुजर सकते हैं क्योंकि हमारे पास राइट है, वी आर हैविंग अ राइट टू वे। अब ये सूट इंस्टीट्यूट कर देते हैं बी और सी, क्योंकि ए कहता है कि आपके पास राइट नहीं है कि आप मेरी प्रॉपर्टी से गुजरो, कहीं और से जाओ ना। तो बी और सी इंस्टीट्यूट कर देते हैं सूट को। ये कहते हैं कि हम कहाँ से जाएं भाई, हमारे पास है ही ये एक प्रॉपर्टी जहाँ से गुजरने का रास्ता है ही यहाँ से, और कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो हम कहाँ पर जाएं। तो ये बी और सी सूट को इंस्टीट्यूट कर देते हैं, और डिसीजन आ जाता है इन फेवर ऑफ बी एंड सी, यानी बी और सी के पास राइट टू वे, उनका राइट टू वे एस्टेब्लिश हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो डिसीजन जो है वो आ जाता है इन फेवर ऑफ बी एंड सी। अब देखा जाए तो प्रॉपर्टी तो इनकी है नहीं, प्रॉपर्टी ओनर यानी ए की है, मगर फिर भी इनके पास राइट आ गया। तो दिस इज राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी। तो कहता है, अब ये सेक्शन क्या कहता है? एनी पर्सन एंटाइटल्ड टू एनी लीगल करेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी, इनके पास अगर होगा तो फिर वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई। वो बंदा जो डिनाई कर रहा हो, जो कि यहाँ पर ए था, डिनाई कर रहा हो या इंटरेस्टेड टू डिनाई हो। इंटरेस्टेड टू डिनाई को हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, इससे पहले बस यहाँ तक आप समझे। अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे दोस्तों, इन चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो अब अगर कोर्ट के पास, यहाँ पर जो लीगल करेक्टर जिसके पास है राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी है, अगर फिर इनके साथ कोई मसला हो जाता है तो फिर वो कोर्ट में जा सकते हैं, इस सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं पर्सन डिनाइंग के अगेंस्ट,
या इंटरेस्ट टू डिनाई के अगेंस्ट, यहाँ पर फिर जो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो अगर चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। क्या डिस्क्रिशन है कि वो डिक्लेयर करे कि इनके पास इनका लीगल करेक्टर है, या डिक्लेयर करे नहीं इनके पास लीगल करेक्टर, डिक्लेयर करे कि इनके पास राइट है, या ना डिक्लेयर करे कि इनके पास राइट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है। अब यहाँ पर लास्ट में क्या बोल रहा है, एंड द प्लेंटिफ नीड नॉट इन सच सूट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ। यानी अब प्लेंटिफ जो है वो इसके बाद लीगल करेक्टर या जो भी सिचुएशन है वो आया है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, डिक्लेरेशन के लिए, अब जरूरत नहीं है कि वो दूसरे स्पेसिफिक रिलीफ है उनके लिए भी बात करे, उनको भले वो आस्क ना करे कोर्ट से, वो भले कोर्ट को उन चीजों के बारे में ना पूछे। अदर रिलीफ फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गई या इंजंक्शन हो गई, ये चीजें क्या है, हम डिस्कस किया है इनको डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर्स में, पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उनको देख लीजिए यहाँ पर वहां पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल रूल, यहाँ पर लास्ट जो पैराग्राफ है, लास्ट जो सेंटेंस है वो क्या बात करता है कि प्लेंटिफ डिक्लेरेशन के लिए अगर आया है तो उसको जरूरत नहीं है, जरूरी उसके लिए नहीं है कि फिर वो दूसरे रिलीफ के लिए भी पूछे कोर्ट को, मगर अब आगे हम इसका जो है वो एक्सेप्शन देखेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बढ़ते हैं आगे। प्रोविजो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दिस सेक्शन। प्रोविजो जो बात करता है बार टू डिक्लेरेटरी डिक्री, यानी किन सिचुएशन में डिक्लेरेटरी डिक्री जो है वो पार हो जाएगी। तो इसको देखते, प्रोवाइडेड दैट नो कोर्ट शैल मेक एनी सच डिक्लेरेशन वेयर द प्लेंटिफ बीइंग एबल टू सीक फर्दर रिलीफ देन अ मेयर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल ओमिट्स टू डू सो। यानी अगर कोई बंदा प्लेंटिफ जो है वो डिक्लेरेशन के लिए आ रहा है सूट इंस्टीट्यूट करने के लिए, उसके पास दूसरे रिलीफ भी जो है वो हैं, वो ले सकता है रिलीफ, और उसके लिए लाजमी है कि वो दूसरे रिलीफ ले। लाजमी क्यों है वो आपको मैं आपको आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए लाजमी है कि वो दूसरे रिलीफ भी ले, और वो जो है वो उन रिलीफ को नहीं लेता है, ओमिट्स टू डू सो। अगर वो नहीं लेगा दूसरे रिलीफ इन एडिशन टू डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल, तो फिर कोर्ट जो है वो डिक्लेरेटरी डिक्री भी पास नहीं करेगी। दूसरे रिलीफ लेना यहाँ पर बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। मिस्टर ए जो है वो ओनर है एक प्रॉपर्टी का, और वो प्रॉपर्टी जो है उसने दी है एज अ टेनेंसी बी को, यानी बी जो है वो यहाँ पर टेनेंट है, उसको रेंट पर दी गई है प्रॉपर्टी, ए ने दी है उसको, यानी अब पजेशन किसके पास है, बी के पास है। ठीक है, मिस्टर ए जो है वो इंस्टीट्यूट कर देता है कोर्ट में सूट, क्योंकि बी जो है वो ना मुकर गया है, बी कह रहा है कि आई एम नॉट अ टेनेंट, अब मैं टेनेंट नहीं हूं, मैं ओनर हूं इस प्रॉपर्टी का, मगर मिस्टर ए ने तो उसको दी थी एज अ टेनेंट, एज अ रेंट प्रॉपर्टी। ए ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया कि डिक्लेयर करो कि हम में से ओनर कौन है, क्योंकि बी कह रहा है कि मैं ओनर हूँ, एक्चुअल में ए कह रहा है कि एक्चुअल में तो मैं ओनर हूँ, अब डिक्लेयर करो कि हम दोनों में से ओनर के कौन है। मगर वो ये नहीं कह रहा कि इस प्रॉपर्टी की पोजेशन भी मुझे साथ में दिलाई जाए, ये नहीं बोल रहा, सिर्फ ये बोल रहा है कि डिक्लेयर करो कि ओनर कौन है, मगर ये नहीं बोल रहा कि बी से वो मुझे प्रॉपर्टी भी लेकर दो, पोजेशन भी उस प्रॉपर्टी की लेकर दो। तो यहाँ पर बात समझ में आई दोस्तों, जब डिक्लेरेशन के लिए आप जा रहे हो और जरूरी है कि आप दूसरा रिलीफ भी लो, और अगर आप वो नहीं लोगे तो डिक्लेरेशन भी आपके फेवर में पास नहीं होगी, यानी यहाँ पर डिक्लेरेशन ए के फेवर में नहीं पास होगी, यानी ओनर ये डिक्लेयर नहीं होगा क्योंकि उसने दूसरा रिलीफ नहीं लिया, दूसरा रिलीफ कौन था, पजेशन नहीं ले रहा। अब भैया सपोज करो अगर डिक्लेरेशन पास हो भी गई मिस्टर ए के फेवर में कि आप ओनर हो, फायदा क्या होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बी के पास है ना, अब बी से आप प्रॉपर्टी वो कैसे लोगे। ठीक है, लड़ तो सकते नहीं हो पोजेशन के लिए, तो आपने कोर्ट को कहा नहीं, लीगली उससे पोजेशन तो आप ले ही नहीं सकते क्योंकि आपने तो खुद ने नहीं कहा। आ रही बात समझ दोस्तों, तो यहाँ पर जरूरी है कि आपको पोजेशन लेनी होगी। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई यहाँ पर, किसमें, जनरल रूल में और इस प्रोविजो में। जनरल रूल बात करता कि जरूरत नहीं है कि आप दूसरे रिलीफ लो, यहाँ पर कह रहा है कि जरूरत है, आपको लेना होगा। देखें दोस्तों, ये जो प्रोविजो, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंशियल कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजो, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आपको दूसरे रिलीफ लाजमी लेने होंगे, क्योंकि अगर, क्योंकि ये ऑक्सिलरी नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ मस्ट। अगर आप डिक्लेरेशन के साथ दूसरा जो रिलीफ नहीं लोगे तो डिक्लेरेशन का फायदा नहीं होगा, मेन चीज यहाँ पर ये है। ठीक है, जिस तरह हमने पोजेशन का एग्जाम्पल देखा, और यहाँ पर इस प्रोविजो का ऑब्जेक्ट ये भी है कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग से आपको रोक रहा है कि भाई आपके फेवर में डिक्लेरेशन तो चलो पास हो गई, आपने पोजेशन को कहा तो पोजेशन का जो है वो बोला ही नहीं,
अब क्या पोजीशन के लिए आप दूसरा सूट फाइल करोगे, दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करोगे, यानी हर चीज के लिए अब आप क्या दूसरा सूट इंस्टीट्यूट करोगे। उससे बेहतर ये नहीं है कि एक ही सूट में सब चीजों का मांग लो, डिक्लेरेशन भी मांग लो, पोजीशन भी मांग लो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर है तो वो भी मांग लो। तो इसका ऑब्जेक्ट, इस प्रोविजो का एक्चुअल में ये है, और आपको वो जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग से रोक रहा है, और दूसरे जो रिलीफ है वो जो मेन रिलीफ है उससे कनेक्ट है, कनेक्टेड है, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली कनेक्टेड है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों एक्सप्लेनेशन की तरफ। हम एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है कि हमने ऊपर देखा ना कि लीगल करेक्टर जिसके पास है या जिसके पास राइट है वो जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, करते हैं किनके अगेंस्ट, वो जो डिनाई कर रहे हैं या पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई। पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई कौन है, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल दे रहा है कि पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई कौन है। ये कह रहा है कि जो ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी है ना वो भी पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई है। अब इसको देखते हैं कि ये कौन होता है ट्रस्टी, ये क्या सिचुएशन है। मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी एक थी उसकी ट्रांसफर कर दिया बी को एज अ ट्रस्ट। ए ने बी को कहा कि आप जो है ये प्रॉपर्टी को रखो अपने पास एज अ ट्रस्ट, अमानतन तो रखो तब तक जब तक ये जो बच्चा है सी वो पैदा ना हो जाए। जब वो पैदा होगा तो आप उसको दे देना, या उसके गार्जियन जो भी है उसको दे देना। ठीक है, जब वो पैदा होगा तब देना, अभी तक सी यानी जो बच्चा है वो पैदा हुआ नहीं है। बी के पास अमानतन तौर प्रॉपर्टी पड़ी है, एक ही हो जाती है डेथ। बी जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर देता है अगेंस्ट मिस्टर एफ। एफ कौन है, एग्जीक्यूटर ऑफ मिस्टर ए। भाई ए के पास जरूरी तो नहीं है कि प्रॉपर्टी ए की ये घर हो, ये जो इसने बी को दे दिया, जरूरी तो नहीं है इसके पास सिर्फ यही घर हो, इसके अलावा और भी तो घर हो सकते हैं। तो जो दूसरे घर हैं उनके लिए मिस्टर ए जब जिंदा था उसने एफ यानी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया था। अब मिस्टर बी जो है वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है किसके अगेंस्ट, एग्जीक्यूटर के अगेंस्ट, क्योंकि ए तो जिंदा ही नहीं है। ठीक है, अब सूट किस चीज के लिए वो इंस्टीट्यूट कर रहा है कि कोर्ट को बोल रहा है कि आप डिक्लेयर करो इस प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूं, मुझे ये प्रॉपर्टी एज अ ट्रस्ट नहीं दी गई थी, मुझे एब्सोल्युटली ये प्रॉपर्टी दी गई थी एज एन ओनर। ठीक है, तो कोर्ट को ये डिक्लेयर करने के लिए बताया जा रहा है कि आप जो है डिक्लेयर कर दो कि मैं यहाँ पर ओनर हूँ ना कि एज अ ट्रस्ट। तो ये मतलब हो रहा है कि यहाँ पर ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, देखा जाए तो बी तो ट्रस्टी है ना, ये झूठ बोल रहा है यहाँ पर। ये ट्रस्टी ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो इज अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई। यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेनेशन, अ टाइटल एडवर्स टू द टाइटल ऑफ समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। यहाँ पर जो मिस्टर सी है ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। मिस्टर सी का जो टाइटल क्या हो सकता है, ये बेनिफिशियरी है, यानी जब जिंदा ये जब पैदा होगा तो इसको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, इसके पास बेनिफिशियल टाइटल है और इसके पास बी के पास ट्रस्टी का टाइटल है, तो ये दोनों एडवर्स टाइटल है यानी अपोजिट टू द ईच अदर है। तो एडवर्स टू द टाइटल ऑफ समवन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस एंड फॉर हुम इफ इन एग्जिस्टेंस ही वुड बी अ ट्रस्टी, यानी अगर सी एग्जिस्टेंस में होता तो बी तो ट्रस्टी होता ना। तो सिंपल ये एक्सप्लेनेशन आपको बता रहा है कि पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई इंक्लूड करता है ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो वो ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी है वो भी डिनाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पर बी डिनाई कर रहा था कि आई एम नॉट अ ट्रस्टी, रादर आई एम एन ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों सेक्शन नंबर 43 की तरफ, कि भाई कोर्ट ने डिक्लेरेशन तो पास कर दी, अब उसका इफेक्ट क्या होगा, यानी रिजल्ट क्या होगा उस डिक्लेरेशन का। तो रिजल्ट तो सिंपल सी बात है, यही रिजल्ट होगा कि जो है वो उस डिक्लेरेशन, वो जो डिक्लेरेशन पास की कोर्ट ने वो बाइंडिंग होगी। मगर बाइंडिंग होगी किस पर, 43 वो बता रहा है, वो बाइंडिंग होगी पार्टीज टू द सूट, जो भी पार्टीज टू द सूट होंगे, या क्लेमिंग थ्रू देम, यानी पार्टीज के थ्रू जो क्लेम कर रहे हैं उनके। फॉर एग्जाम्पल भाई ए और बी का आपस में मसला था, ए की एक प्रॉपर्टी थी, ए और बी का आपस में मसला था। अब पर्सन सी जो है वो बोल रहा है कि मेरा भी राइट है ए की प्रॉपर्टी में, मैं और सी बोल रहा है कि मैं और ए हम दोनों सूट इंस्टीट्यूट साथ कर रहे हैं, मेरा सी बोल रहा है कि मेरा कुछ हद तक राइट है ए की प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो ये सी यहाँ पर जो है वो क्लेम कर रहा है थ्रू मिस्टर ए, सो पर्सन क्लेमिंग थ्रू देम, उन पर भी बाइंडिंग होगा। थ्री यानी जो ट्रस्टीज होंगे उन पर भी बाइंडिंग होगा। डियर फ्रेंड्स, हियर द टॉपिक एंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आर दिस वीडियो एंड चैनल बोथ। हाफिज़।